बच्चों, आज हम इस वीडियो में 17वीं शताब्दी में मुगलों का क्षेत्रीय प्रतिरोध पाठ के एमसीक्यू करेंगे, जो कि सामाजिक विज्ञान से लिया गया है, कक्षा 8वीं का है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, 17वीं शताब्दी में मुगलों को किसके प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? 17वीं शताब्दी में मुगलों को किसके प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? क्षेत्रीय प्रतिरोध का, कर्नल टोड के प्रतिरोध का, औरंगजेब के प्रतिरोध का, या फिर वैदिक संस्कृति के प्रतिरोध का? तो इसका राइट आंसर आएगा क्षेत्रीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। 17वीं शताब्दी में मुगलों को क्षेत्रीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तरी व पश्चिमी भाग में मुगलों को सबसे पहले किसके प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? उत्तरी व पश्चिमी भाग में मुगलों को सबसे पहले किसके प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? स्थानीय शासकों के प्रतिरोध का, राजपूतों के प्रतिरोध का, जाटों के प्रतिरोध का, या स्तनामियों के प्रतिरोध का? तो इसका राइट आंसर आएगा राजपूतों के प्रतिरोध का। उत्तर पश्चिमी भाग में मुगलों को सबसे पहले राजपूतों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अकबर ने किससे लड़कर भारत में सत्ता प्राप्त की थी? महाराणा प्रताप से, राणा सांगा से, गोकुल से, हेमू से? इसका राइट आंसर आएगा हेमू। हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम है। हेमचंद्र विक्रमादित्य से लड़कर भारत में सत्ता प्राप्त की थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जोधपुर के राजा कौन थे? जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह, गोकुल? तो इसका राइट आंसर आएगा जसवंत सिंह। जोधपुर के राजा जसवंत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के किसके बेटे थे? जसवंत सिंह के किसके बेटे थे दुर्गादास राठौड़? चपरासी के, दरबारी के, मंत्री के, मामा के? तो इसका राइट आंसर आएगा मंत्री के। दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के मंत्री के बेटे थे। जसवंत सिंह जो राजा थे उनके मंत्री के बेटे थे दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1704 ईस्वी में, 1705 ईस्वी में, 1706 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में? इसका राइट आंसर आएगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जजिया एक धार्मिक कर था। जजिया कर क्या था? जजिया एक धार्मिक कर था जिसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले किन लोगों से वसूल किया जाता था? मुस्लिम राज्य में रहने वाले किन लोगों से वसूला जाता था जजिया कर? हिंदू लोगों से, गैर मुस्लिम लोगों से, मुस्लिम लोगों से, ईसाई लोगों से? गैर मुस्लिम बनेगा। जजिया एक धार्मिक कर था जिसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों से वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर का निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था? किस शहर का निर्माण राजा सवाई जय सिंह ने किया था? उदयपुर शहर का, जयपुर शहर का, जोधपुर शहर का, संबलपुर शहर का? इसका राइट आंसर आएगा जयपुर शहर का। जयपुर शहर का निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सवाई जय सिंह ने कितने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह ने कितने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? 4, 5, 7, 6? तो इसका राइट आंसर आएगा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जोहर कौन स्त्रियां करती थी? हिंदू स्त्रियां, सिख स्त्रियां, राजपूत स्त्रियां, मुस्लिम? इसका राइट आंसर आएगा राजपूत स्त्रियां। जोहर कौन स्त्रियां करती थी? राजपूत स्त्रियां करती थी। कब करती थी? 17वीं शताब्दी में जोहर राजपूत स्त्रियां करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सवाई राजा जय सिंह ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? सवाई राजा जय सिंह ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? अजमेर नगर को, जयपुर नगर को, जोधपुर को, बीकानेर को? तो इसका राइट आंसर आएगा जयपुर नगर को। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर नगर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
राजा जसवंत सिंह के किस पुत्र को दुर्गादास राठौड़ ने संरक्षण दिया? राजा जसवंत सिंह के किस पुत्र को दुर्गादास राठौड़ ने संरक्षण दिया? अजीत सिंह, वीरभान, सूरजमल राठौड़। तो इसका राइट आंसर आएगा अजीत सिंह। राजा जय सिंह के पुत्र अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ ने संरक्षण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जाटों ने किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में मुगलों का विरोध किया था? राजा जसवंत सिंह के नेतृत्व में, गोकुल के नेतृत्व में, संत वीरभान के नेतृत्व में, राजा जय सिंह के नेतृत्व में? तो इसका राइट आंसर आएगा गोकुल। जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में मुगलों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। संत वीरभान द्वारा नारनौल में किस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया गया? संत वीरभान द्वारा नारनौल में किस संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया गया? सिख संप्रदाय का, जैन संप्रदाय का, सतनामी संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का? इसका राइट आंसर आएगा सतनामी संप्रदाय का। संत वीरभान द्वारा नारनौल में सतनामी संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अजय लोहगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? दुर्गादास राठौड़, संत वीरभान, महाराज सूरजमल, राजा जय सिंह? तो इसका राइट आंसर आएगा महाराज सूरजमल। अजय लोहगढ़ दुर्ग के निर्माता महाराज सूरजमल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। राजपूत स्त्रियों के चारित्रिक गुण क्या थे? राजपूत जो स्त्रियां थी उनके चरित्र के गुण क्या क्या थे, चारित्रिक गुण क्या थे? चरित्रवान थी वे, स्नेह देने वाली थी, परिवार के लिए समर्पित थी, या उपयुक्त सभी गुण उनमें थे? तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी गुण थे। राजपूत स्त्रियों की चारित्रिक विशेषता में उपयुक्त सभी गुण थे। वे चरित्रवान भी थी, स्नेह देने वाली थी, परिवार के लिए समर्पित थी, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। राजपूत शासकों की वीरता से मुगल शासक सदा ही प्रभावित क्यों रहे? उनकी वीरता के कारण, उनकी वफादारी के कारण, उनके शौर्य के कारण, उपयुक्त सभी के कारण? तो इसका भी राइट आंसर क्या आएगा, उपयुक्त सभी कारण। राजपूत शासकों की वीरता से मुगल शासक उपयुक्त सभी कारणों से प्रभावित रहे, क्योंकि उनमें वीरता थी, वफादारी थी और शौर्य के गुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मथुरा तथा आगरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? मथुरा तथा आगरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? गोकुल के, जसवंत सिंह के, अजीत सिंह के, दुर्गादास के? तो इसका राइट आंसर आएगा गोकुल के नेतृत्व में। मथुरा तथा आगरा के जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब का विद्रोह कर दिया था, औरंगजेब के खिलाफ खड़े हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इनमें से कौन सा किसानों के प्रतिरोध का कारण था? तीर्थ यात्रा कर दोबारा लगाना, कृषकों का शोषण, हिंदू त्योहारों और मेलों पर प्रतिबंध, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। किसानों के प्रतिरोध का कारण था तीर्थ यात्रा कर दोबारा लगाना, किसानों का शोषण करना, हिंदू त्योहारों और मेलों पर प्रतिबंध लगाना, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोकुल ने, वीरभान ने, सूरजमल ने, जय सिंह ने? तो इसका राइट आंसर आएगा वीरभान ने। सतनामी संप्रदाय की स्थापना वीरभान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सतनामियों का कार्य क्षेत्र कौन सा था? फतेहाबाद, पानीपत, अंबाला, नारनौल? तो इसका राइट आंसर आएगा नारनौल। सतनामियों का कार्य क्षेत्र नारनौल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मुगलों व सतनामियों के संघर्ष में लगभग कितने सतनामी शहीद हो गए?
मुगलों तथा सतनामियों के संघर्ष में लगभग कितने सतनामी शहीद हो गए? 3,000, 4,000, 5,000, 7,000। तो इसका राइट आंसर आएगा लगभग 5,000। मुगलों तथा सतनामियों के संघर्ष में लगभग 5,000 सतनामी शहीद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। औरंगजेब राजपूतों से क्यों डरता था? औरंगजेब राजपूतों से क्यों डरता था? राजपूतों की वीरता व शौर्य के कारण, राजपूतों की बड़ी सेना के कारण, राजपूत का कार्य क्षेत्र जयपुर होने के कारण, राजपूतों के साथ दुर्गादास राठौर होने के कारण। तो इसका राइट आंसर आएगा राजपूतों की वीरता व शौर्य के कारण। औरंगजेब राजपूतों की वीरता तथा शौर्य के कारण राजपूतों से डरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। राजपूत शब्द किन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था? राजपूत शब्द किन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था? देश के पश्चिमी भाग में रहने वाले लोगों के लिए, देश के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों के लिए, देश के पूर्व भाग में रहने वाले लोगों के लिए, देश के दक्षिण भाग में रहने वाले लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा देश के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों के लिए। राजपूत शब्द देश के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर